नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग अभी तक 53 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 54वां टेस्ट है। तो चलिए 54वां टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, याद रखिए। हमेशा आप लोग यहाँ बड़े अच्छे से ध्यान दे लीजिए, दे लिया करिएगा कि क्या पूछ रहा है। अगर सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, सही है आपका। संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के मामले में इसके पास सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है, ये भी आपका सही है। वर्ष 1950 में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था, ये आपका गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही अन्य निर्वाचित आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन होगा, क्या होगा? क्योंकि सी आपका गलत है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन व निर्देश करता है। मूल रूप से आयोग में एक निर्वाचन अधिकारी होता था पहले, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद से यह एक बहुसदस्यीय संस्था बन गई के रूप में कार्य कर रहा है। आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो आपके अन्य निर्वाचित आयुक्त होते हैं, ठीक है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी एक संवैधानिक निकाय है, गलत है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी आपका गलत है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। केवल तीसरा कथन सही है दूसरे क्वेश्चन में, और एक दो कथन आपके गलत हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक सांविधिक निकाय है, ना कि संविधानिक, ठीक है। और याद रखना है, सूचना के अधिकार नियम 2019 को 24 अक्टूबर 2019 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, सेवा और वेतन की शर्तें निर्धारित की गई हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल आपका 3 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में केवल आपका तीसरा कथन सही था। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, दल बदल विरोधी कानून, क्योंकि अभी दल बदल विरोधी बहुत तगड़े उससे चल रहा है चर्चा में। दल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, सही है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्हरता न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, गलत है। किसी सदन के नामित सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह सदन में अपना पद लेने के 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है,
ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका केवल एक कथन सही है। याद रखिए कि जो 52वां आपका संविधान संशोधन था 1985 में, संसद और राज्य विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के निर्धारण का प्रावधान किया गया। इसके लिए संविधान के चार अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में परिवर्तन किए गए और संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। दल बदल के आधार पर निर्हरता निम्नलिखित दो मामलों में लागू नहीं होती है। यदि कोई सदस्य किसी अन्य दल के साथ अपने दल के विलय के परिणाम स्वरूप दल से बाहर हो जाता है। दल का विलय तब होता है जब पार्टी की दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हों, ठीक है। यदि कोई सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद स्वेच्छा से अपने दल से बाहर चला जाता है या कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है या छूट इस पद की गरिमा और निष्पक्षता को देखते हुए प्रदान की गई है। विधायक दल के एक तिहाई सदस्यों द्वारा दल विघटन के कारण अयोग्यता में छूट से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया। विधायक दल के एक तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान की को वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। याद रखना है, कानून एक दल के अन्य दल में विलय की अनुमति देता है, बशर्ते कम से कम दो तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। याद रखिए इसमें कि हो तो होलोहन बनाम जा चिली बाद 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध किया कि इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। इसमें कहा गया था कि जब पीठासीन अधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत निर्हरता संबंधी किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तब वह एक अधिकरण की तरह कार्य करता है, अतः किसी भी अन्य अधिकरण की तरह उसके निर्णय की भी दुर्भावना दुर्गाग्रह संविधानिक जनादेश प्राक्तिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। किसी सदन का मनोनीत सदस्य उस स्थिति में सदन का सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो सकता है यदि वह सदन में अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इसका अर्थ है कि यदि वह सदन में अपना पद लेने से 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल के आधार पर आयोग घोषित नहीं किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका केवल एक कथन सही था। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 42वें संविधान में संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अधिकरणों की व्यवस्था की गई थी, सही है। अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये आपका गलत है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं। देखिए सही नहीं है, इसमें दूसरा कथन सही नहीं। अगर पूछता सही है तो इसमें केवल एक कथन सही था, ठीक है। तो याद रखिए वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में याचिका दायर की जा सकती है। बात इसमें था आपका बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में बी था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह देश में राजकोषीय संघवाद की पुष्टि करता है, सही है। वित्त आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, यह आपका गलत है। 15वें वित्त आयोग को वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने का
अधिदेश दिया गया है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 1 और 3 कथन सही है, दूसरा लेकिन गलत है। याद रखिए, वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद पर केंद्रित एक संविधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में की गई। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या फिर आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। आयोग का अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों की का अनुभवी होना चाहिए और 4 अन्य सदस्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों से चुना जाता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त आय मामलों का विशेषज्ञ ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति जैसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ ज्ञाता हो, उसे भी वित्त आयोग का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है। 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया था, परंतु 15वें वित्त आयोग में 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने का आदेश दिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सी था, 1 और 3। क्वेश्चन है हमारा 6वां, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे 103वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संविधानिक दर्जा दिया गया है। गलत। क्वेश्चन है हमारा अगला कथन है, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका केवल दूसरा कथन सही है, बाकी 1 और 3 गलत है, क्योंकि 102वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा सांविधिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की को संविधानिक दर्जा दिया गया। संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 338 खा को शामिल किया गया, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की स्थापना की गई। आयोग की संरचना की बात करें हम लोग, तो आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य आपके होते हैं। ठीक है। और इन सभी को आपका राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के माध्यम से इन्हें नियुक्त किया जाता है। पदावधि की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि उनके पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए होती है। वे 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त होने के बाद भी नहीं होते। ठीक है। तो याद रखना, 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका केवल दूसरा कथन सही था। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। सही है। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए के लेखाओं का संकलन और प्रबंधन करता है। गलत है। यह भारत की संचित निधि से धन के निर्गमन को नियंत्रित करता है। गलत है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। यह भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में केवल 1 कथन आपका सही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। CAG का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के महालेखा परीक्षक के पद पर आधारित है। CAG वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानून को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी भी होता है। CAG संसद का एजेंट है। वह संसद की ओर से व्यय का लेखा जोखा
लेखा जोखा रखता है, इसलिए वह केवल संसद के प्रति ही जिम्मेदार है। बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हमारा 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश NHRC का अध्यक्ष हो सकता है। गलत है, पहले ऐसा था लेकिन जब से इसमें बदलाव हुआ तब से ये हटा दिया गया था। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती थी, ये भी आपका गलत है, पहले ऐसा था लेकिन इसमें भी बदलाव किया गया। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए यह स्वतः संज्ञान ले सकता है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका केवल तीसरा कथन सही है, 1 और 2 गलत है। बात करते हैं आखिर इसमें 2, 1, 2 में सही क्या हुआ। जैसा कि आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। मानवाधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यह NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया, ये पुनः नियुक्ति के पात्र भी होंगे। ठीक है, तो याद रखना इसमें आपका केवल तीसरा कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन, वर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों में विभाजित है, सही है। इंडोनेशिया ने हाल ही में वर्नियो द्वीप पर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, सही है। यह द्वीपीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन के, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। ये विवादित क्षेत्र हो गए आपके, इसमें शामिल देश गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच है, सही है। वेस्ट बैंक इजराइल और सीरिया, गलत है। गोल्डन हाइट्स इजराइल और जॉर्डन, ये भी आपका गलत है। तो इसमें केवल 1 आपका सम्मिलित सही सम्मिलित है, 2-3 गलत है। क्या है? 2-3 गलत है। जून 1967 में इजराइल और अरब राष्ट्रों मिस्र सीरिया तथा जॉर्डन के बीच 6 दिवसीय युद्ध हुआ था। इजराइल और उसके पड़ोसी राज्यों के मध्य वर्षों के राजनीतिक टकराव और झड़पों के बाद इजराइल ने हवाई हमला कर जिसमें मिस्र और उसके सहयोगियों की वायुसेना को आसक्त बना दिया था। इसके बाद इजराइल ने जमीनी कार्रवाई करते हुए मिस्र के जो सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी जॉर्डन के वेस्ट बैंक और पूर्व में एरूसलम व सीरिया के गोलन हाइट्स क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। किसने? आपके मिस्र, इजराइल और मिस्र के बीच, मतलब मिस्र ने, ठीक है। जो गाजा पट्टी था ये पहले मिस्र कब्जा कर किए हुए था लेकिन इजराइल ने बड़ी स्तर पर कार्रवाई करके ये अपने गाजा पट्टी को अपने कब्जे में कर लिया। जो आपका ये वेस्ट बैंक है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच है, ठीक है। और आपका गोल्डन हाइट ये सीरिया और इजराइल के बीच है, विवादित स्थल है, ठीक।
तो याद रखना, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन, गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया, गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र। इसमें केवल एक सही सम्मिलित था। क्वेश्चन है हमारा 11, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ये आपके आंदोलन हो गए और ये देश, एलो वेस्ट आंदोलन फ्रांस से संबंधित है, सही है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर स्वीडन से संबंधित है। अम्ब्रेला क्रांति इंडोनेशिया से संबंधित नहीं है। क्या है अम्ब्रेला क्रांति? आपकी एक राजनीतिक आंदोलन था जो 2014 में हांगकांग के लोकतांत्रिक विरोध के दौरान उभरा था। कहाँ? हांगकांग में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 1 और 2 कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 12, समाचारों में रहा तोगाली द्वीप कहाँ अवस्थित है? यह है आपका प्रशांत महासागर में। तोगाली द्वीप आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा 13, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अधीन कार्यरत है। गलत है। यह देश में औषधियों के अनुमोदन और चिकित्सीय परीक्षणों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह आपका सही है। तो इसमें केवल 2 कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि आपका जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्यरत है, ठीक है। और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। बात करते हैं हम लोग 14वीं क्वेश्चन, WTO में विकासशील देशों के दर्जे के निम्नलिखित में से क्या लाभ है? भुगतान संतुलन संबंधी विकट परिस्थिति में आयात को प्रतिबंधित करने का अधिकार है, सही है। गैर पारस्परिक अधिकार उपचार है, अधिमान उपचार है, विशेष और विभेदक उपचार, सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 14 में 3 कथन सही है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15, दो पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नोबल शांति पुरस्कार दिया गया, ये दोनों देश किस क्षेत्र में थे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। 2019 का जो नोबेल पुरस्कार शांति का था, वो पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को सुलझाने की निर्णायक पहल के लिए इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को प्रदान किया गया है। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के अधिकतर सदस्य राष्ट्रों के साथ भारत का व्यापार संतुलन है। गलत है। RCEP वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। RCEP की परिकल्पना विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधार में की जा रही है, यह आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका केवल 2 कथन सही है, 1 और 3 गलत है। भारत के अलग अलग द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों के बावजूद क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के अधिकांश सदस्य देशों के साथ भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है। 15 RCEP देशों में से कम 11 देशों के साथ व्यापार घाटे की स्थिति है भारत की, ठीक है। RCEP 16 देशों भारत सहित के मध्य एक मेगा क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य वस्तु सेवा निवेश, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, प्रतियोगिता और बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करना है,
जबकि विश्व व्यापार संगठन WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। WTO और RCEP एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, तो इसमें याद रखिए केवल आपका दूसरा कथन सही था 16 में। क्वेश्चन है हमारा 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपका भारत का महान्यायवादी है ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सही है। लोकसभा में बोल सकता है, सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये आपका गलत है, याद रखिए। इन्हें पॉइंट गलत हो गए देने में, एक दो क्या है, दो है ये पॉइंट, ये आपका तीन है, ये आपका चार है। तो ये दिया गया है भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में नीचे जो कथन दिए गए उनमें हमें सही चुनना है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ले सकता है बिल्कुल। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। लोकसभा में बोल सकता है, इसे बोलने का अधिकार है। लोकसभा में मतदान कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका सदस्य नहीं होता है। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिए भारत महान्यायवादी जो भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है, इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है हमारा 18, लोक निधियों के कुशलतापूर्वक और आश्रित प्रयोग को सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय का क्या महत्व है। CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात को घोषित करता है, गलत है। CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन पर जारी रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, सही है। CAG की रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है, ये भी सही है। CAG को ऐसे न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वह सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है, सके, बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका दो और तीन कथन सही है, एक आपका गलत है, क्या है, एक कथन गलत है। लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों की जांच करना जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है। CAG के पास कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यह लेखाओं के बारे में स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान CAG का वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, गलत है। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल, मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री, 1, 3, 4 इसमें सही है, दूसरा आपका गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद में वित्त आयोग के अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। याद रखिए आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी, 1952 में। यह ना तो एक संविधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक सर्वोच्च निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो इसमें आपका 1, 3, 4 सही था। क्वेश्चन है हमारा 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के
विधानमंत्रित काल में की गई थी। बिल्कुल गलत है। CAT केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों को न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। ये सही है। तो दूसरा कथन इसमें केवल सही है, पहला कथन गलत है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के का गठन 1985 में संविधान के अनुच्छेद 323 का के तहत किया गया था। CAT अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा संबंधी विवादों और शिकायतों को देखता है। इसकी स्थापना राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान की गई थी। जब आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तब इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी देखते रहेंगे। ठीक।